धनबाद में प्रस्तावित आरओबी को लेकर रेल प्रशासन ने वासेपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के निकट कई दशकों से अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे दर्जनों लोगों को एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमित जमीन को खाली करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर स्थानीय अतिक्रमणकारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार की शाम स्थानीय लोगों की एक बैठक वासेपुर में आयोजित की गई, जहां रेल प्रबंधन द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रसीद रजा अंसारी, महासचिव नेता रुस्तम अंसारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी स्थिति में यहां रह रहे लोगों को जब तक रेलवे के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती है, इस जगह को अतिक्रमण मुक्त नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए जो भी आंदोलन अथवा लड़ाई की आवश्यकता होगी, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुर्तजा खान ने भी कड़े शब्दों में रेल प्रशासन को कहा कि किसी को उजाड़ कर विकास का काम नहीं किया जाता है। रेल प्रशासन की इस तरह 7 दिन का नोटिस देना बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसका वासेपुर का लोग विरोध करते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रसीद रजा अंसारी, मासस नेता रुस्तम अंसारी, मुर्तजा खान, फारूक खान, जावेद खान सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये सही है कि रेलवे के द्वारा जो है अपना अधिग्रहण करने के लिए 85 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया है, जिसका समय 7 तारीख 7 दिन का समय निर्धारित किया है। तो आज जितने भी यहाँ पे लोग जो नोटिसधारी हैं, जिनको नोटिस मिला है, वो लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और समाज के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि अब आपके चैनल के द्वारा हम एक बात बोलेंगे कि जो 40 साल से यहाँ पे बसा हुआ है, 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से, उसको 7 दिन में क्या आप खाली करवा सकते हैं? समय दीजिए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास के विरोधी हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, हम लोग समाज के लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो लोगों को जीना महाल हो जाए। तो इसी को लेकर के देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन 5 दिन पहले जाकर के हम लोग डीआरएम साहब से, एक सेकंड देखिए, ये डीआरएम साहब से जाके मिले थे एक प्रतिनिधिमंडल और बहुत सी मांगे थी, फुट ओवर ब्रिज की मांग थी, जितना जमीन आपको लगता है कि मैंने उतना में आपका काम चल जाए उतना ही अधिग्रहण कीजिए, उतना ही कीजिए। तो डीआरएम साहब ने साफ शब्दों में बोला कि ठीक है, डीसी साहब से जाके मिलिए। फिर हम लोग डीसी साहब के पास, दूसरे दिन डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बात बोल कर कर करके कि ठीक है, दो यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज हम लोग देंगे और एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजेंगे हम लोग सर्वे करने के लिए। लेकिन कल जो हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे सब लोगों को नोटिस दे दिया गया है और जिसका समय सिर्फ 7 दिन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के हित में नहीं है। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, रेल प्रशासन को किस तरह से आप लोग अवगत कराएंगे? देखिए आज के बैठक में देखिए बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अंतिम निर्णय यही हुआ कि जितने भी नोटिस यहाँ पे जिसको दिया गया है उसका एक जीरोक्स लेकर के, सारे लोगों का आधार और फोन नंबर लेके, उसका एड्रेस लेकर करके हम लोग जो है सोमवार के दिन यही हम लोग सारे लोग मिल करके एक प्रतिनिधि मंडल बना कर कर करके और हम लोग डीआरएम साहब से मिल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर गरीब लोग हैं, 7 दिन में तो एक चबूतरा नहीं बन सकता है, तो उखाड़ने की बात अब कहाँ पे कर रहे हैं आप, अब कहाँ बसेंगे जाकर कर, इसलिए इस पे गौर किया जाए और जितना जमीन होता है उतना ही अधिग्रहण किया जाए। और नहीं अगर वो रिजिड ही हो गए कि नहीं हम लोग इसको 7 दिन के अंदर तोड़ेंगे ही, 7 दिन के अंदर इसको हम लोग जो नोटिस दिए हैं उस पर कार्रवाई करेंगे ही हम लोग, तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे मिलकर कि हम लोगों को क्या, क्या क्या करना है। अभी निर्णय नहीं लेंगे कि हम लोग क्या करना है, अभी कोई भी इस तरह का
हम लोग रास्ता नहीं अपना रहे हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। फिलहाल नोटिस के बाद जो नोटिस दिया गया उसके बाद गरीबों का आशियाना बचाने के लिए आप लोग रेल डीआरएम से आग्रह करेंगे? बिल्कुल आग्रह करेंगे, अगर और हमको पूरी उम्मीद है कि इस पे जो है डीआरएम साहब काफी अच्छे इंसान है, वो हम लोगों की बात जरूर मानेंगे और समय भी देंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या कीजिएगा यहाँ पे जो रह रहा है। बाउंड्री वॉल के लिए उचित जमीन अगर चाहिए उचित जमीन पर ही काम करे। 200 फीट पर बाउंड्री, 80 फीट पर बाउंड्री हिंदुस्तान के नक्शे में मैंने नहीं देखा। रेल ट्रैक के किनारे हमारे बगल में सटा पश्चिम बंगाल में बराकर से आगे कोल्टी रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक से मात्र 20 और 30 फीट के दूरी पर रेलवे का बाउंड्री है। यहाँ 80 फीट का बाउंड्री देने क्या जरूरत है? क्या मंशा है आपका प्यारन साहब? आपकी मानसिकता क्या है? गरीबों को उजाड़ना, गरीबों को बेघर करना, कहां जाएंगे ये लोग प्यारन साहब? आप 20 फीट पर बाउंड्री कीजिए, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट ट्रैक का होना है वो दूसरे साइड होना है, दक्षिण साइड में होना है आपका ट्रैक। दो ट्रैक जो आपका बिछेगा इस ट्रैक से उस साइड में बिछेगा, इधर तो आपका कोई काम ही नहीं है। इधर 20 फीट पर 30 फीट पर बाउंड्री वॉल कर लीजिए। 7 दिन का जो नोटिस दिया गया इस बारे में क्या? हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये 7 दिन का नोटिस ये तुगलकी फरमान है, जिस फरमान को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग यहाँ मरने मिटने के लिए तैयार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी माँ और बहन रोड पर आ जाएंगी, उनके प्रशासन से हाथ हाथ एक दो हाथ करने के लिए तैयार है। हम लोग 7 दिन का निर्णय नहीं मानने वाले हैं। हम लोग 7 दिन को नहीं मानेंगे। हमारे बीच में परिवार है, हमारी माँ बहन बेटियां है, कहाँ लेके जाएंगे उसको हम लोग? रेलवे प्रशासन से हम मांग करते हैं और भारत सरकार सहित झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए उचित व्यवस्था पहले उपलब्ध कराए, हमें उचित व्यवस्था का आश्वासन दे, उसके बाद रेलवे प्रशासन आकर के हमारे साथ जो करना कर ले। लेकिन अगर ये 7 दिन का नोटिस देकर चले गए और सोच ले कि 7 दिन में हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, हम लोग हटने वाले नहीं है। हम लोग लड़ेंगे आपसे। आप गोली लेके आइए, हम सीना लेके खड़े रहेंगे। प्यारन साहब, हम हटने वाले नहीं है। ये कोई बात हुआ आपका? नाम लिखिए ना, नाम चलाइए। मेरा नाम मुर्तजा खान है और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बताइएगा डीआरएम साहब को, बोल दीजिएगा डीआरएम साहब को, ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। 7 दिन का नोटिस दे दिया और हट जाइए, ये कोई उचित व्यवहार नहीं है। डीआरएम साहब, आप पढ़े लिखे आदमी है, आप बड़े पद पर बैठे हैं, आपको सारा सुख संपन्न आपके पास उपलब्ध है, लेकिन ये गरीब कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चा लेके कहाँ घर बसाएंगे? चिड़िया है, पंछी है क्या कि किसी गाज पर से उड़ के उस गाज पर जाके बैठ जाएंगे? उनको घर बसाने के लिए समय चाहिए, इसलिए हम लोग समय का मांग करते हैं। और आपकी तैयारी भी चल रही है मेयर का, ये क्या कहेंगे? आज बैठक की गई है, गरीबों का आशियाना उजड़ने की बातें सामने आ रही है। देखिए, आज मेयर के चुनाव प्रचार में नहीं हम लोग आए हैं, एक्चुअली हम लोग की जिला कमेटी है भारतीय मानव कल्याण समिति, यहाँ के लोग आग्रह किए थे, तो आज हम लोग पूरा टीम यहाँ पर आए और अपने हिसाब से सर्वे किए। यहाँ स्थिति ये है कि ये लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और सारा परिवार है, झोपड़पट्टी टाइप घर है और ये लोग गरीब हैं, इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ कहीं जाएंगे। इनके पास एक ही रास्ता, करो या मरो, या तो इनको आप निकाल दीजिएगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, ये ठंडा में सुकुड़ के मर जाएंगे। तो जो सरकार है, वो तो रेल की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या हमारे माननीय DC महोदय हों, वह बने हैं जनता के लिए। और जनता ही की जब सुविधा हम नहीं दे पाएंगे तो रेल चला के क्या फायदा? रेल में चढ़ेगा कौन? जनता ना चढ़ेगा। तो फिर सबसे पहले बात हमारे हिसाब से, और मैं DRM से भी आग्रह करना चाहता हूँ और DC साहब से भी, कि श्रीमान ये तोड़ने वाले तुगलक की फरमान आप वापस लें। जब तक इन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो किसी कीमत पर आप मत बनाइए, क्योंकि जनता की मांग है। और आप जबरदस्ती करिएगा तो जनता को रेल के नीचे काट दीजिए, उसके बाद आप बना लीजिएगा। वैसे अभी कमेटी ने साफ साफ निर्णय लिया है कि भाई हम लोग एक आग्रह पूर्वक, क्योंकि यहाँ 85-86 लोग जो भी हैं वो देखने की चीज़ है, क्योंकि हमारे माननीय समाज के अगुवा लोग DC साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम सर्वे कराएंगे, लेकिन सर्वे से पहले ये मामला DRM साहब को नोटिस दे देना, ये कहीं इंसाफ का बात नहीं है। वो क्या करेंगे? फौज लाएंगे ना, यहाँ पहले से लोग गरीब पहले से मरने को तैयार है। भैया गोली मार दो, खाली कर देना, ले जाओ, एक लाइन में। दूसरा बात कि सोमवार को हम लोग कोशिश करेंगे DRM साहब से और श्रीमान उपायुक्त महोदय धनबाद से भी कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट की पूरा एरिया है, रेलवे ठीक है अपना है, तो जब रेलवे को अपना जमीन मानता है तो 70 साल पहले जब ये लोग आकर बसा यहाँ पर तो उस समय रेल क्यों नहीं रुकी?
लेकिन आज बस गया, बसने के बाद से आप बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप साफ कर दीजिएगा, ये मेरे हिसाब से कानूनी अपराध है। फिलहाल कमेटी के निर्णय के द्वारा मतलब इनका एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। साथ में हम लोग वार्ता किए, वो लोग कहना है भैया हम लोग खाली कर सकते हैं कब, जब हमको कोई गवर्नमेंट के द्वारा वो रेलवे गवर्नमेंट दे, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट दे या माननीय डीसी महोदय दे, कहीं हमको एक वैकल्पिक व्यवस्था देंगे हम तभी हम लोग खाली कर सकते हैं, अन्यथा ये खाली नहीं होगा और इसके लिए हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए ये कमेटी बने सुमार को भगवान ने चाहा, अल्लाह पाक कृपा हुआ तो हम लोग जाकर मिलेंगे और मिल के उनके मैंने पहले तो रिक्वेस्ट भाई मेरा कोई मेरी रिक्वेस्ट सुनिए और आकर देखिए, हम DRM साहब को मांग करते, DC साहब को मांग करते कि वो घटनास्थल पावें और आकर के निरीक्षण करें अपने हिसाब से, और जो फैसला लेंगे हम लोग उसको मानेंगे।